हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल अंकुश शर्मा में। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं नए एडवर्टाइजमेंट वाले इवेंट के बारे में। तो फ्री फायर के अंदर एक नया एड्स वाला इवेंट आ चुका है, उसके बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ कि कैसे आपको इसको कंप्लीट करना है और उसमें आपको क्या क्या मिल सकता है। लेकिन उससे पहले गाइस, जिसको नहीं पता है कि एड्स देखते कैसे, तो उनको बता दूं। यहाँ पर आपको सबसे नीचे सेंटर में एक ऑप्शन आता है प्ले का, तो अगर आप उस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर प्ले का दोबारा से ऑप्शन आ जाता है। तो ये आप क्लिक करिए इस पर और आपकी एड्स चल जाएगी। तो आपको एड्स को पूरा देखना है और ऐसे 30 एड्स को आपको देखना है इस इवेंट को कम्प्लीट करने के लिए डेली। उसके बाद यहाँ पर आप इवेंट वाले सेक्शन में देख सकते हो वॉच एड्स एंड अनपिंक डायमंड्स सेक्शन ऐड हो चुका है, और इसके अंदर से गाइस आपको पिंक डायमंड मिलेंगे और ये बिल्कुल नई चीज़ आई है और काफ़ी अच्छी चीज़ है। और इनसे क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको मिलेंगे एड्स देखने के, तो 30 ऐड देखिए और आपको ये एक दिन में 20 पिंक डायमंड मिल सकते हैं ऐड देख देख के। तो टोटल 30 ऐड अगर आप देखोगे, टोटल 20 पिंक डायमंड मिल जाएंगे और भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी पिंक डायमंड के अलावा, और उनमें से एक अच्छी चीज़ है गोल्ड और फिर बाकी लोड आउट वगैरह हैं। तो इनको देखिए और फिर यहाँ पर आके आपको क्लेम पे क्लिक करना है, और आप इनको क्लेम कर पाओगे तो सिंपली क्लेम पे क्लिक करिए। तो आपको इसके अंदर टोटल 600 गोल्ड भी मिल सकता है। हर 5 ऐड देखने पे आपको एक बार गोल्ड मिलेगा, 100-100 गोल्ड मिलेगा। और ये कैसे मिलेगा, ये फोर्थ गोल्ड फोर्थ नंबर पे और नाइन्थ नंबर पे, 14 नंबर पे, ऐसे नंबर पे मिलता जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को भी गाइस आप क्लेम कर सकते हो, और पिंक डायमंड को कहाँ यूज़ करना है वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये आप नॉर्मल डायमंड की तरह यूज़ नहीं कर सकते हो, इनको यूज़ करने के लिए एक अलग से सेक्शन ऐड हुआ है स्टोर के अंदर। तो चलिए वो जाके देखते हैं। तो यहाँ पर आप स्टोर के रिडीम वाले सेक्शन में देख सकते हो एक नया सेक्शन ऐड हो चुका है, पिंक डायमंड रिडीम सेक्शन। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल सकती है गाइस, और ये नॉर्मल प्राइस ही है। तो मतलब एक पिंक डायमंड एक डायमंड नॉर्मल डायमंड के बराबर ही होता है। तो जितने का बंडल, ये 699 डायमंड का बंडल मिलता है, और ये बंडल आपको 699 पिंक डायमंड का भी मिल जाएगा। और ये आप सारी चीज़ें देख सकते हो, नॉर्मल प्राइस है इन सबका। और ये देखिए आप डायमंड रॉयल वाउचर, ये 40 डायमंड का होता है स्पिन, तो 40 डायमंड का ये आपको वेपन रॉयल वाउचर मिल रहा है। इंक्यूबेटर भी अभी 40 डायमंड का स्पिन हो रहा है, तो 40 से पिंक डायमंड का ही आपको वाउचर मिल रहा है। यहाँ पर आपको 50 डायमंड का डायमंड रॉयल वाउचर स्पिन होता है, डायमंड रॉयल स्पिन होता है, लेकिन 60 पिंक डायमंड का आपको डायमंड रॉयल वाउचर मिल रहा है। तो हो सकता है अगला जो डायमंड रॉयल का बंडल आए वो 60 डायमंड में आए, तो इसलिए यहाँ पर डायमंड रॉयल वाउचर 60 पिंक डायमंड का मिल रहा है। इन सब चीज़ों के अलावा यहाँ पर आपको ये वाला बंडल भी मिल रहा है, और ये आपको करेक्टर बंडल है। इसके अलावा टोपी शोपी भी मिल रही है, और तो और आपको पैट भी मिल रहा है। तो पैट का हमारा ये पैट नहीं है, ये पैट का स्किन है। और यहाँ पर आप काफ़ी सारी चीज़ें देख सकते हो, ऑलरेडी मैंने ऑन कर रखी है, तो पैट भी है देख सकते हो, पैट भी मिल रहा है इसके अंदर से। तो इस इवेंट से आप सिर्फ बाकी चीज़ें नहीं ले सकते गाइस, पैट भी ले सकते हो। लगभग हर तरीके का पैट है यहाँ पर, पैंथर तक। तो 4 पैट हैं इसके अंदर, और ये वाला हेड भी है, काफ़ी अच्छा हेड होता है। तो ये पैट अगर आप लेना चाहो, अगर आपके पास डायमंड नहीं होते तो ऐड से डायमंड देख देख के कलेक्ट करिए। टोटल आपको 1 महीने एड्स देखनी पड़ेगी पैट के लिए, पैंथर के लिए, और बाकी चीज़ें थोड़ी सस्ती मिल जाएगी, लेकिन पैंथर के लिए 700 पिंक डायमंड का ये पड़ेगा। इसके अलावा काफ़ी सारे बैकपैक है, और काफ़ी अच्छे अच्छे स्केटबोर्ड भी है। ये वाला स्केटबोर्ड काफ़ी अच्छा होता है, फ्री फायर वाला, इसमें से आग से आग भी निकलती है, और यहाँ पर ये कुछ पैराशूट वगैरह भी है। तो डेली के आपको 20 पिंक डायमंड मिलेंगे एड्स देखने से, अगर आप 30 के 30 ऐड देखते हो तो। और 2 दिन में आपके 40 डायमंड हो जाएंगे, तो आप एक वाउचर ले सकते हो, इंक्यूबेटर वाउचर या फिर ये वाला वाउचर। और डायमंड रॉयल वाउचर के लिए आपको 30 दिन ऐड देखनी पड़ेगी, तब जाके आपके 60 पिंक डायमंड होंगे, और आप डायमंड रॉयल वाउचर भी ले सकते हो। आपको कोई बंडल सेंडल चाहिए होगा तो आपको काफ़ी सारे दिन वेस्ट करने पड़ेंगे, काफ़ी सारे दिनों से जोड़ना पड़ेगा अपने पिंक डायमंड को, कम से कम 50-60 दिन, तब जाके आप 1000 डायमंड वाला बंडल ले सकते हो, जैसे कि ये वाले बंडल है, और सस्ते वाले बंडल आप पहले ही ले सकते हो। तो आपको इन सब में से कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद आई है गाइस, आप कौन से बंडल लेने वाले हो, कौन सी चीज़ लेने वाले हो, मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपने अभी तक कितने पिंक के डायमंड कलेक्ट कर लिए वो भी मेरे को ज़रूर बताइएगा। और इवेंट पीरियड की बात करी जाएगा इस, तो ये 31 दिसंबर तक तो चलेगा, तो मतलब न्यू ईयर पर ये इवेंट ख़त्म हो जाएगा, नए साल पर, मतलब 2020 में ही ख़त्म होगा। तो पूरे 2019 आप 60 दिन, आपके पास 60 दिन देख देख के आप कलेक्ट कर सकते हो, तो टोटल आप 1200 पिंक के डायमंड ले सकते हो इसके अंदर से। तो मेरे को तो काफ़ी पसंद आएगा इस बार वाला एड्स वाला इवेंट, आपको कैसा लगा मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पहले वाले इवेंट से तो काफ़ी अच्छा, और आप में से काफ़ी सारे लोग मेरे से पूछ भी रहे थे भाई डायमंड कब वापस आएंगे, ऐड दिख रहे पे आपको डायमंड बिल्ला कब चालू हो गए। तो डायमंड बिल्ला तो चालू हो गए, लेकिन पिंक डायमंड बिल्ला चालू हुआ है, नॉर्मल डायमंड चालू नहीं हुआ है। मतलब जो चीज़ें पिंक डायमंड स्टोर में आप वही ले सकते हो, आप इलाइट पास वगैरह नहीं ले सकते हो, बाकी चीज़ें डायमंड से नहीं ले सकते हो। लेकिन फिर भी इतना भी हो रहा है वो ठीक है, पहले वाले से बंडल से तो बेटर ही है कि आपको एक ही बंडल मिलता था, आप उस बंडल के अलावा और कुछ नहीं ले सकते थे। अब आपके पास काफ़ी सारी चॉइसेस है, तो पहले वाले इवेंट से मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, आपको अपनी राय जरूर बताइएगा। ओके गाइस, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा,
चैनल अच्छे लगता है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप मेरी सारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सको। ओके गाइस, वीडियो का देखने के लिए आपके लिए जोरदार क्लैपिंग। ओके गाइस, बाय बाय।